दोस्तों जब से पीबी ने नई आंसर की डाली है यहाँ पर संशोधित उत्तर पुस्तिक आदर्श उत्तर डाले हैं दोस्तों, कई लोग टेंशन में आ गए हैं कि जिनके क्वेश्चन गलत हो गए हैं, जैसे कि आपको पता चली गया होगा कि ये जो 9 तारीख का पेपर है ये पूरा का पूरा गलत डाल दिया है। तो अब दोस्तों क्या कर सकते हैं, शांति बनाए रखें, हम आपको समझाएंगे पूरे प्रोसेस कैसे कैसे आपको करना है। इसके लिए दोस्तों आपने देखा होगा कि पीबी ने ही यहाँ पर दिया है कि अगर एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है उसको मैं पढ़कर सुना देता हूँ और फिर आपको कैसे ये फॉर्म डाउनलोड करना है, आपत्ति फॉर्म कैसे भेजना है, सारी जानकारी आपको हम देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमारे चैनल को इतना पसंद किया है। 6 लाख से ऊपर का परिवार हमारा हो चुका है दोस्तों, आप भी हमारे परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। सरकारी नौकरी तैयारी और शिक्षा संबंधी जानकारी के लिए सबसे भरोसेमंद चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि क्या है वो प्रेस विज्ञप्ति, पहले पढ़कर सुनाते हैं, फिर वो फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है और फॉर्म कैसे उपयोग करना है, कहाँ भेजना है, सारी जानकारी आपको देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देखिए प्रेस विज्ञप्ति में दिया गया है कि बोर्ड द्वारा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 का आयोजन किया गया था। परीक्षा समाप्ति के पश्चात प्रश्नों के संबंध में आपत्ति हेतु मॉडल आंसर की पीबी की वेबसाइट पर अपलोड की गई थी। तकनीकी समस्या, फिर तकनीकी समस्या बहुत आती है इनको, क्या बात है। परीक्षा 24 की द्वितीय पाली, 25 की द्वितीय पाली और 9 तारीख की प्रथम पाली की मॉडल आंसर में कुछ प्रश्न दृष्टिगत नहीं हो पा रहे थे। विद्यार्थियों के हित में बोर्ड द्वारा उक्त तिथियों में संशोधित आंसर की मॉडल आंसर की कुंजी पीबी वेबसाइट पर दिनांक 21/11/2019 यानी कल अपलोड कर दी गई है। केवल उक्त तिथियों की संशोधित मॉडल आंसर की में किसी प्रकार की त्रुटि प्रश्नों उत्तर के संबंध में केवल परीक्षार्थियों द्वारा आपत्तियों नियमानुसार निर्धारण प्रारूप में अभिलिखित। अब दोस्तों देखिए कई लोगों ने यह बोला है कि आखिर ये प्रारूप कहाँ मिलेगा, ठीक है, आपत्तियां नियमानुसार निर्धारित प्रारूप में अभिलेख सहित पीबी कार्यालय में प्रस्तुत कराने हेतु दिनांक 21/6/2019 से 7 दिवसों के अंदर यानी कि 7 दिन के अंदर आपको पहुंचाना है। अब दोस्तों इसकी पूरी प्रोसेस समझा देता हूं मैं कि आपको ये फॉर्म कहां मिलेगा और इसकी पूरी प्रोसेस क्या है। तो बिल्कुल कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल सा तरीका है, देखिए YouTube पर आपको जाना है, यहां पर आपको लिखना है दीप्ति सिंह एकेडमी और उसके बाद आपको लिखना है ऑब्जेक्शन फॉर्म। इस पर क्लिक करेंगे तो पूरी प्रोसेस दोस्तों देखिए वर्ग 2 वर्ग 1 में मैंने तो वर्ग 1 का भी आप देख लो सेम ऑब्जेक्शन फॉर्म है, कोई अंतर नहीं होता है। तो ये ऑब्जेक्शन फॉर्म जो आपको दिख रहा है वर्ग 1 और वर्ग 2 वाला ये ऑब्जेक्शन फॉर्म आपत्ति फॉर्म, यहां पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो वीडियो ओपन होगा, कोई भी आप वीडियो ओपन करेंगे तो उसके डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दी हुई है आपत्ति फॉर्म यहां से डाउनलोड करें। अब मैंने आपको दोस्तों आपत्ति फॉर्म डाउनलोड करने का ऑप्शन जो दे रखा है वो इसलिए दे रखा है कि ये वीडियो मैंने इसलिए बताया कि फॉर्म तो भर लो, डाउनलोड कर लोगे, लेकिन ये फॉर्म कैसे भरना है, इसको तरीका क्या है, कहां भेजना है, सारी जानकारी इन वीडियोस में दी गई है। तो आप चाहे तो ये वीडियो देख लीजिए, चाहे ये वीडियो देख लीजिए, जितनी जल्दी हो सके दोस्तों ये वीडियो भी शेयर कर दीजिए हमारा जो आप देख रहे हैं अभी, क्योंकि हो सकता है आपको आपत्ति ना हो बट आपके मित्रों को आपत्ति हो, तो शेयर करें इस वीडियो को और ये दोनों वीडियो में से किसी का भी फॉर्म डाउनलोड करके आप पूरी प्रोसेस में समझाइए। वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं आपको आसानी समझा देता हूँ, इस वीडियो को आप देखें क्योंकि उसमें पूरी डिटेल समझाइए कहाँ भेजना है कैसे भेजना है। आपको बता दूं कि आपत्ति फॉर्म डाउनलोड करके आपको जो भेजना है वो आपका है ये पीवी की जो एड्रेस है ना ये वाला, ये रहा एड्रेस आपका, चयन भवन मेन रोड नंबर 1 चिनार पार्क ईस्ट भोपाल, ठीक है, पिन कोड भी दिया हुआ है यहां पर आपको भेजना है, ठीक है, और वो आपत्ति फॉर्म आप डाउनलोड कर लीजिए वहां से उस वीडियो को, ठीक है, और आपको ये भरना है, पूरा भरना क्या क्या है इसमें देखिए पूरा डिटेल दी हुई है, ये आप ही भर के भेज सकते हैं, कोई और भर के नहीं भेज सकता है। और हाँ, जो आपको इसमें लिखा हुआ है कि आपने देखा है, इन्होंने यहां लिखा हुआ है कि ये जो अभिलेख है तो आपको प्रूफ भी आपको साथ में अटैच करना है, पूरी प्रोसेस समझाइए मैंने वीडियो में, आप उसको देखिए और प्लीज ये वीडियो शेयर कीजिए और इन दोनों में से कोई वीडियो देखिए आपको सब आसानी से मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्लीज शेयर जरूर करें। सरकारी नौकरी की तैयारी और शिक्षा संबंधी जानकारी के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं सबसे पहले हमारा नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।